दोस्तों आज जैसे कि मार्केट ने बहुत ही अच्छा क्लोजिंग दिया है, स्पेशली बैंक निफ्टी ने। और कल जैसे कि एक इम्पोर्टेंट दिन है, कल हमारा वीकली एक्सपायरी, तो वीकली एक्सपायरी में मार्केट कहाँ पे क्लोज हो सकता है ये मैं आपको बताऊंगा। और जैसे कि इंट्राडे में हम लोग कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो इसकी जानकारी चाहिए तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहो। सो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मार्केट डेली व्यू। मार्केट डेली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 24 अगस्त को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मूवमेंट रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे निफ्टी से। तो दोस्तों हम लोग निफ्टी देखेंगे तो यहाँ पे 47 पॉइंट पॉजिटिव है, तो एक बॉर्डर के ऊपर पॉजिटिव है। जैसे मैं कहता हूँ कि 50% पॉजिटिव होना, 50 पॉइंट पॉजिटिव होना एक पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी देखेंगे तो 485, यानी कि बहुत ही अच्छे पॉजिटिव यहाँ पे क्लोज हुआ है। पहले हम लोग निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और कल के लिए इंट्राडे लेवल्स भी देखेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा था कि जब भी मार्केट यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो ये कभी ये नहीं होगा, यानी मार्केट अप ट्रेंड कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर यहाँ पे होल्ड करता है मार्केट और जो है कि कल का लो था इसको इसके नीचे नहीं क्लोज देता है, तो ये ऊपर ब्रेकआउट करने का चांसेस है। या फिर हमारे एक लेवल था और 19,300 इसके नीचे नहीं क्लोज होता है और यहाँ पे होल्ड करता है तो ये चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट करे और बहुत ऊपर जाए। लेकिन अगर हम लोग निफ्टी को कंपेयर करेंगे तो निफ्टी कंप्लीट ये बॉर्डर के ऊपर ही क्लोज हुआ है। ओके, एक लेवल के ऊपर है जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा है उसके आप ऊपर एकदम क्लोज नहीं किया और नेक्स्ट में लेवल दिया था आपको 19,466, देखिए इसको अप्रोच किया लेकिन इसके ऊपर ये क्लोज नहीं हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए कल रहेगा। इसके ऊपर क्लोज करना या इंट्राडे में भी फिर से इसके ऊपर जाता है तो बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा जो रेजिस्टेंस है 19,645, हमको और भी एक नजदीक वाला लेवल मिल सकता है क्योंकि आज का जो मार्केट देखे कि नीचे से अच्छा कवर हुआ है, तो आज का जो लो है ये हमारे लिए कल एक लेवल हो सकता है और वो लेवल है 19,366, 19,366 का लेवल है। और ऊपर जैसे कि जो हमारा 19,466 ये लेवल है और ऊपर 19,645 जो कि ये लेवल है, अगर उसके ऊपर मार्केट जाता है तो बहुत ही पॉजिटिव होगा। प्लस ये ट्रेंड लाइन के ऊपर भी क्लोज होना एक पॉजिटिविटी हमारे लिए हो सकता है, तो मार्केट थोड़ा पॉजिटिव साइड जा रहा है। नीचे जो सपोर्ट है 19,300, लेकिन कल जैसे कि वीकली एक्सपायरी है तो वीकली एक्सपायरी में ऑप्शन जिनके ऊपर क्या लेवल बने ये हम लोग देखेंगे, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन में जो है कि कोई स्ट्रेटेजीज करना है तो हम लोग ऑप्शन चेन के ऊपर जाके देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग ये ऑप्शन चेन देख रहे हैं और 24 अगस्त को जो एक्सपायरी होने वाला है वो ऑप्शन चेन देख रहे हैं। यहाँ पे कॉल साइड में हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे और पुट साइड में यहाँ पे सपोर्ट, तो हम लोग ओपन इंटरेस्ट कितना है उसके ऊपर डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट के कल रेजिस्टेंस क्या है और रेजिस्टेंस ब्रेक होंगे तो क्या करना है, अगर नहीं होते तो क्या करना है वो देखेंगे। तो पहले हम लोग एट द मनी के यहाँ पे आ जाते हैं, तो एट द मनी यहाँ पे जो दिखा रहा है 19,450, तो 19,450 के जस्ट हम लोग यहाँ पे ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे मुझे नजदीकी बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 2,85,000 जो है कि कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट, और आज के दिन में जो ऐड हुआ है वो हुआ है 51,671। यहाँ पे कहीं भी देखेंगे तो ये जो है कि मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है 19,500 का, ये जो है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा सा नीचे जाते तो हम लोग पुट साइड में देखेंगे तो जो सपोर्ट है, तो पुट साइड में सपोर्ट यहाँ पे जो दिख रहा है 19,400 के, यहाँ पे 2,77,000 कम्युनिटी ओपन इंटरेस्ट है और आज का ओपन इंटरेस्ट देखिए कितना बढ़ गया 1,65,000, यानी 19,400 ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मार्केट जो है कि 19,400 टू 19,500 के बीच में होगा, तो अगर आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजी करनी है तो ये जो पुट है और ये जो कॉल है ये आप सेल कर सकते हो, तो अगर इसके बीच में रहेगा तो आपको ये शॉर्ट करने के पैसे मिल सकते हो। लेकिन जो लोग ब्रेकआउट के लिए देख रहे हैं, यानी अगर 19,500 ब्रेकआउट होता है तो एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है ऊपर के साइड में, और 19,400 ब्रेकआउट होता है तो नीचे के साइड में भी ब्रेकआउट का बड़ा मूवमेंट आ सकता है, तो इसके लिए भी आप ट्रेड कर सकते हो जो कि ब्रेकआउट ट्रेड के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे जो है कि पोजिशन बन करे गए और वो भी नजदीक के लेवल पे बन गए, तो नजदीक के लेवल पे बनते हैं तो एक ब्रेकआउट होने का चांसेस ज्यादा होता है, तो कल एक ब्रेकआउट का चांसेस हो सकता है जो कि कल एक्सपायरी भी है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए 19,500 लेवल के ऊपर आप यहाँ पे ध्यान रख के ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखेंगे कि निफ्टी में हम लोग इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं।
अगर आप इंट्राडे में देखो तो ये जो ट्रेंड लाइन था डेली में गया वो एक यहाँ पे ब्रेक किया, और यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही अच्छा बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक कवरिंग दिया है जो कि इंट्राडे में, और थोड़ा सा अपर साइड भी क्लोज हुआ है तो ये भी अच्छी बात है। और ऊपर जो अपना लेवल था जो है 19,466, तो ये लेवल के ऊपर देखिए 5 मिनट का कैंडल क्लोज भी नहीं हुआ है। अगर कल इंट्राडे में इसके ऊपर 5 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा बाइंग के लिए। सेलिंग के लिए थोड़ा नीचे देखेंगे 19,412, ये जो लेवल है 19,412 का लेवल है, इसके नीचे जाए तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी, यहाँ पे बैंक निफ्टी देखिए कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट अगर ये लेवल हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी का ये सपोर्ट था 44-75, ये निफ्टी ने ये जो लेवल है निफ्टी में ये जो आता है उसमें ब्रेक नहीं किया, बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया, तो बैंक निफ्टी आज बहुत ही यहाँ पे स्ट्रांग हो गया। तो ये बैंक निफ्टी में बहुत ही स्ट्रांग कैंडल आया, और नीचे भी जो सपोर्ट लेवल था बैंक निफ्टी ने 43,940 ये वाला, ये देखिए ये इसके यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो बैंक निफ्टी में बहुत ही अपॉर्चुनिटीज है। कल भी बैंक निफ्टी अगर 44,569 के ऊपर जाता है, ये लेवल के ऊपर जाता है, तो नेक्स्ट टारगेट आपको मिलेगा 44,985 का टारगेट, मोस्ट प्रोबेबली ये आ सकता है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखिए अगर बाइंग साइड आता है तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे बाइंग साइड आ सकता है। हम लोग 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे, यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ये लेवल ऊपर है, लेकिन अगर 44,569 के ऊपर ही बाय करेंगे तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। सेलिंग के लिए 44,349 के नीचे हम लोग सेल करेंगे तो देखेंगे बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट अपने लेवल्स और रिटेस्ट प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छी यहाँ पे वर्क किया। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज फिन निफ्टी, तो यहाँ पे फिन निफ्टी देखेंगे तो फिन निफ्टी ने भी आज एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो है कि परफॉर्मेंस किया है, और जो नीचे का लेवल था 19,697 ये जो लेवल था उसके ऊपर क्लोज दिया है, और नीचे का जो सपोर्ट लेवल मैं बहुत दिन से आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा होल्ड किया है। अभी नेक्स्ट जो है कि 19,733 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो नेक्स्ट टारगेट 19,844 का आ सकता है, तो फिर निफ्टी भी बहुत ही अच्छे यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है। इंटरडे में देखते हैं लेवल, इंटरडे में लगभग अपने लेवल के आसपास ही है, तो नया लेवल हमको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। एग्जैक्ट अर्थ का हाई के ऊपर जो रहेगा 19,743 के ऊपर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और सेलिंग के लिए नीचे वाला लेवल लेते हैं 19,600 के नीचे जाता है तो ये यहाँ पे हम लोग सेल कर सकते हैं। दोस्तों कल हमने कुछ इंटरडे के लिए स्टॉक देखे थे, तो उसमें पहले था पॉलीकैप, तो पॉलीपैक कैप का परफॉर्मेंस देखिए बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, और मैंने जैसे कहा था कि ऑल टाइम है तो पहले आपको 1% देखिए तो उससे भी यहाँ पे देखिए कि 2.5% यहाँ पे गया, तो आप वो ट्रेडिंग करके कर सकते थे। 5 मिनट में देखेंगे कि यहाँ पे जो भी बाइंग का कॉल आता है तो जो कैंडल है ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे सस्टेन होके जब भी निकलता है तभी आप बाय कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएट हुआ। दूसरा मैकडोनल्ड है तो आपको लगेगा कि इसमें टॉप लॉस हुआ, तो नहीं, हम लोग 5 मिनट में देखते हैं। कोई भी स्टॉक अगर ऊपर ओपन होता है और नीचे आता है तो यहाँ पे हमको मॉर्निंग में तो जो है कि 15 मिनट ट्रेड करना नहीं है, अगर 15 मिनट यहाँ पे सस्टेन होता तो ये करना, तो ये इनिशिएट नहीं हुआ। अगर यहाँ पे सस्टेन होता और यहाँ पे टच करके बाउंस होता है तो भी आपको बाय करना है, या फिर नीचे ओपन होने के बाद इसको क्रॉस करता है तो ही हमको बाइंग वाला ट्रेड लेना है। तो मैं आपको एक केयरफुली क्यों बोलता हूँ कि बहुत सारे लोगों को प्राइस एक्शन मालूम नहीं होता है और वो डायरेक्टली जैसे चालू होता है वैसे ही ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ पे आप केयरफुली रहिए, और नहीं समझता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप मुझे कमेंट भी ले सकते हैं। कल के लिए हम लोग जो स्टॉक देखेंगे तो पहला जो स्टॉक है यहाँ पे ICICI बैंक, यहाँ पे देखेंगे तो एक जो है कि सपोर्ट एरिया के ऊपर इसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, और अगर एक देखोगे तो एक जोन था, बहुत दिन से एक जोन में चल रहा है, आज उसने जोन ब्रेकआउट किया है। 968 के ऊपर अगर जाता है तो हम लोग बाय करेंगे, 979 का यहाँ पे टारगेट आ सकता है। नेक्स्ट जो है कि एल एन टी देखेंगे तो हम लोग ये ऑल टाइम हाई है, और यहाँ पे इसने जो ऑल टाइम नया हाई बना है, अभी नेक्स्ट जो उसका ये लेवल होगा तो एल एन टी में हम लोग बाय करेंगे आज के हाई के ऊपर, वो आ रहा है यहाँ पे 2725, तो यहाँ पे पहला टारगेट 2752 का ये पहले आ सकता है, ये बहुत ही मीन्स पॉसिबल है कि ये आ सकता है। उसके बाद जो है कि आप उसको ट्रेलिंग भी कर सकते हो, तो ये जो है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा, लेकिन एग्जैक्ट आपको 1% मिलेगा नहीं मिलेगा तो आपको उसको ट्रेलिंग कर सकते हो। तो दोस्तों जिन स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक ऐसा चलना चाहिए, इसमें आपको ट्रेड करना तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है मेरे साथ
तो दिए गए नंबर के ऊपर मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।